दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेटीएम ऐप के अंदर अपना बैंक अकाउंट यानी कि डिफॉल्ट बैंक अकाउंट किस तरीके से बदल सकते हैं, किस तरीके से उसे चेंज कर सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि पेटीएम के अंदर यहां पर 15 मार्च के बाद किसी भी तरीके का पैसा रिसीव नहीं होगा, ना तो पेटीएम पेमेंट बैंक में रिसीव होगा, ना ही वॉलेट के अंदर रिसीव होगा। अगर पैसा रिसीव करना है तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा या दूसरा बैंक अकाउंट इसके अंदर लिंक करना होगा, तभी आप पेटीएम ऐप के अंदर पैसे रिसीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं आपको मैं बहुत सारी लोगों की मेरे पास कमेंट आ रही है कि उनका पेटीएम पेमेंट बैंक उन्होंने रिमूव कर दिया है, लेकिन अभी भी उनके पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो आप उसे डिफॉल्ट बैंक को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो अपना डिफॉल्ट बैंक चेंज करने से पहले आपको पेटीएम के लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है। जी हाँ, प्ले स्टोर पर आइएगा और पेटीएम का लेटेस्ट वर्जन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब ये अपडेट हो जाए इसे ओपन करिएगा, और जब ये ओपन हो जाए तो हम अपना पहले सबसे पहले डिफॉल्ट बैंक चेंज करने के लिए या अपना पुराना बैंक अकाउंट रिमूव करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो यहाँ पर आप जब यहाँ पर आप पेटीएम ऐप ओपन कर लेंगे तो ऊपर यहाँ पर कॉर्नर पर प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की साइड में स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर आपको यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा पेमेंट सेटिंग का। जी हाँ, जहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट जो भी ऐड हुए हुए होते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। अगर आपने अपना पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करा रखा होगा तो इस तरीके से आपको उसका यहाँ पर ब्यौरा शो हो रहा होगा। जैसे कि मेरे केस में मैंने अपना पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करा रखा था, तो यहाँ पर जो भी पैसा मुझे भेजा जा रहा है वो मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर रिसीव हो रहा है, और वो 15 मार्च के बाद बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अपना नया दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, जो दूसरा डिफॉल्ट बैंक अपना चेंज करना होगा। तो अगर मुझे पेटीएम 15 मार्च के बाद भी पैसे रिसीव करने हैं पेटीएम के अंदर, या मैं नहीं चाहता कि मेरी पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर पैसा ना आए, दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर आए, तो मुझे यहां पर ऐड अनदर बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यानी कि मेरा बैंक अकाउंट चेंज करना होगा, तभी मैं पेटीएम के अंदर 15 मार्च के बाद भी पैसे रिसीव कर सकता हूं और मेरा यहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर कोई भी पैसा उसके बाद नहीं आएगा। तो यहां पर आप ऐड अनदर बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, बहुत सारे बैंकों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर आप अपना कोई सा भी दूसरा बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, बहुत सारे बैंक अकाउंट यहाँ पर आते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी यानी कि बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि बहुत सारे पेमेंट बैंक अकाउंट आते हैं जो आप अपने मोबाइल से अपना आप ओपन कर सकते हैं। जियो का पेमेंट बैंक अकाउंट आता है, एयरटेल का पेमेंट बैंक अकाउंट आता है, बहुत सारे पेमेंट बैंक अकाउंट का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है किस तरीके से अकाउंट ओपन करते हैं। अगर आपके पास कोई फिजिकल बैंक नहीं है तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक की तरह एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और ये दूसरा कोई पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने मोबाइल से अपने आप, और हाथों हाथ ही वो अकाउंट खुल जाता है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप ओपन करना चाहें तो ओपन कर लीजिएगा। अब जैसे कि मेरे केस में मैंने यहाँ पर अपना एक एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट लिंक करना है, मुझे मेरे पास एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट भी है और मैं चाहता हूँ कि 15 मार्च के बाद मेरा जितना भी पैसा आए वो एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट के अंदर आए, तो मैं यहाँ पर अपने उस बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर टैप कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो मेरा बैंक अकाउंट लिंक होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर यानी कि एयरटेल का बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर जो भी पैसा रिसीव होगा वो एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर रिसीव होगा। जी हाँ, मेरे बैंक यानी कि बैंक अकाउंट मेरा डिफॉल्ट चेंज हो चुका है। मैं ओके गॉट इट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि मेरा यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरा डिफॉल्ट बैंक टू रिसीव मनी, यानी कि मेरा डिफॉल्ट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक बन गया है, और मैं अगर इसे डिफॉल्ट बैंक के अंदर ही रहने दूंगा तो सारा पैसा अब मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर आएगा। तो इस तरीके से आपको डिफॉल्ट में अपना कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है, या उसे एज ए डिफॉल्ट बैंक अकाउंट के तौर पर ऐड कर लेना है। बस आपका पैसा आपका यहाँ पर जो भी रिसीव होगा उसके बाद आपका आपके एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में या दूसरे बैंक अकाउंट में जो भी आप ऐड करेंगे उसके अंदर क्रेडिट होता रहेगा। बस आज की वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में अब भी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा।